हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा और स्पेशल वीडियो लेके आई हूं। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, वॉच कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझे गार्डनिंग का काफ़ी शौक है और जितने भी मेरे वीडियो या शॉर्ट्स होते हैं वो किचन गार्डन से रिलेटेड होते हैं। जितनी भी मैं सब्जियां हार्वेस्ट करती हूँ वो सारे वीडियो बना के या शॉर्ट्स बना के मैं आप लोग को शेयर करती रहती हूँ। और आज एक ऐसी ही जो बेल है, मेरी करेले की बेल है, उसमें से मैं करेले हार्वेस्ट करने वाली हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम मेहनत करते रहें और हमें सफलता ना मिले, ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई भी काम छोटा या बड़ा दिल से करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। उसी का एक उदाहरण मैं आपको अपना करेले की बेल दिखाना चाहूंगी। फ्लोर है यहाँ पे और मिट्टी इकट्ठा करके ईंट की मदद से मैंने मिट्टी को रोका है। और जब करेला मैंने लगाया ना, बीज तो मेरा घर का ही था, घर के ही दो बीज उठा के मैंने यहाँ पे मिट्टी पे डाल दिए थे। पौधा जब बिल्कुल छोटा था उसको मैंने रस्सियाँ बांध के, बाउंड्री वॉल की मदद से जो मैंने रस्सियाँ बांधी उसको फिर मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ा दिया था, जिससे मैं काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि करेला हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। मार्केट में तो जो सब्जियां मिलती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, आपको पता है कितनी सारी जो है उसमें दवाइयां डाली जाती हैं उसको फ्रेश रखने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। लेकिन जो हमने घर में करेले की बेल उगाई है ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई दवा नहीं है। ओनली इसमें मैंने खाद डाली है, थोड़ी सी गोबर की खाद, और थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ इसमें चाय पत्ती, जो पुरानी वाली बची होती है ना, जैसे चाय बनने के बाद जो बच जाती है उसको छान के मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इसकी जड़ में डाल देती हूँ। बस मैं इतना सा ही काम करती हूँ जिससे मेरी काफ़ी अच्छी करेले की बेल की ग्रोथ होती है। इस बार इतनी अच्छी नहीं हो पाई है क्योंकि बारिश लेट हुई है और जब बरसातें हुई हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हस्बैंड जी मेरे मना करते रहते हैं कि आप सब्जियां मत लगाया करो, लेकिन जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी ही तोड़ते हैं। लगाया तो वैसे मैंने करेले की बेल को बाउंड्री वॉल के पीछे था, लेकिन बड़ी होने के कारण ये करेले की बेल आगे पहुंच गई है, बाउंड्री वॉल के अंदर भी पहुँच गई है। अंदर की तरफ मैंने लगा रखे हैं सोदार और फूलदार पौधे लगा रखे हैं गमलों में, तो इस बेल ने सभी को कवर कर लिया है। काफ़ी बड़ी हो गई है ये बेल, काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी हुई है इसमें से। लेकिन अब बरसात ज़्यादा होने के कारण जो इसके जड़ की तरफ के पत्ते हैं ना, नीचे की तरफ के, वो पीले होने लग गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ू सा करेला, कितना बड़ा करेला है। देखिए, छोटे भी हैं करेले, वेराइटी अलग अलग है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं और पीले भी होने लगे हैं कुछ करेले। तो इस तरह से इसने सभी जगह, बेल ने अपना जो है पूरा घेर रखा है जगह को। करेले की बेल को उगाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी मेरी तरह गमले में या फ्लोर में थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करके या फिर ग्रो बैग में आप भी इसे उगा सकते हैं, और घर की ऑर्गेनिक सब्जियां आप भी इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। करेले की सब्जी ऐसा तो है नहीं कि डायबिटीज वालों को ही खानी चाहिए, करेले की सब्जी हफ्ते में एक दिन स्वस्थ लोगों को भी खानी चाहिए, जिससे हमारा जो अंदर संतुलन है ना, कफ पित्त और बात, वो संतुलन बना रहे। इसलिए हमें हफ्ते में एक दिन जरूर ये सब्जी ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और जो मैंने करेले की बेल में से इतनी सारी करेले की हार्वेस्टिंग करी है वो आप लोग को कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, करेले मैंने तोड़ लिए हैं, लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं इसके भरवे करेले बनाने वाली हूँ या फिर सब्जी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।